और चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। भजनलाल सरकार के कैबिनेट के अहम फैसले, राजस्थान पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। इसके अलावा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम यानी कि 1989 में संशोधन किया गया है। विशेष योग्य चुन कर्मचारियों की मौत पर रिश्तेदार को भी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों के माता पिता भाई बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी। भर्तियों में अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगा 2% का आरक्षण। राज्य लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी एक्सरसाइज लेबोरेटरी विभाग की भर्तियों में भी आरक्षण मिलेगा। 21 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर खिलाड़ियों की परिभाषा की थी स्पष्ट, लेकिन उस समय शेष इन दोनों विभागों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगा आरक्षण। साथ ही में कैबिनेट बैठक में अलग अलग 10 एजेंडों पर चर्चा हुई। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ। एसआई भर्ती रद्द करने के सवाल पर कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अनेक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई के बाद मेहनत से परीक्षा में सफलता पाई है और ऐसे अभ्यर्थियों पर फर्क नहीं पड़े, इसलिए सरकार पूरा विचार करने के बाद ही फैसला करेगी। जिलों को लेकर बोले पटेल की कहा, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा जिलों का भविष्य। पायलट की मांग पर बोले पटेल की कहा, आरपीएससी के पुनर्गठन में संवैधानिक बाध्यता ये संभव नहीं है। जैसलमेर में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक प्लांट लगाने पर भी फैसला हुआ है, क्योंकि आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक थी और इंतजार किया जा रहा था कि आखिर इस बैठक के बाद में क्या कुछ फैसले निकल कर आते हैं। ऐसे में जो फैसले थे उसमें सबसे पहले राजस्थान पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% तक आरक्षण मिलेगा, ये फैसला किया गया। उसके अलावा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया गया था। विशेष योग्यजन कर्मचारी की मौत पर रिश्तेदार को भी पेंशन मिलेगी। ऐसे कर्मचारी माता पिता भाई बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकती है। भर्तियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% तक का आरक्षण मिलेगा, ये फैसला भी किया गया है। राज्य लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी एक्सरसाइज लेबोरेटरी विभाग की भर्तियों में आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा 21 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की गई थी, लेकिन उस समय शेष इन दो विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण मिलेगा। साथ ही कैबिनेट बैठक में अलग अलग 10 एजेंडों पर चर्चा हुई है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ है। एसआई भर्ती रद्द करने के सवाल पर कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह कहा कि अनेक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई के बाद मेहनत से परीक्षा में सफलता पाई है और ऐसे अभ्यर्थियों पर इसका कोई फर्क ना पड़े, इसलिए सरकार पूरा विचार करने के बाद में ही फैसला करेगी। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, खूब पढ़ाई की है, तो ऐसा कुछ फैसला आया जाए कि उन बच्चों पर इसका कोई असर नहीं पड़े और इसलिए और भी ज्यादा विचार विमर्श किया जाएगा। जब जिलों को लेकर के सवाल किया गया तो जिलों को लेकर उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलों का भविष्य तय होगा। वहीं पायलट की मांग पर उन्होंने कहा कि आरपीएससी के पुनर्गठन में संवैधानिक बाध्यता ये संभव नहीं है। जैसलमेर में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक प्लांट लगाने पर भी फैसला किया गया। और भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस। आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। सिरोही में तैनात आरटीओ चौहान के 6 ठिकानों पर आय से अधिक मामले में रेड हुई है। सुरेंद्र सिंह ने खुद और अपने परिजनों के नाम से अर्जित की करोड़ों की संपत्ति। एसीबी को तलाशी में 5 आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के कागज भी मिले हैं। टोंक में 48 लाख रुपए कीमत की 8 बीघा कृषि भूमि के दस्तावेज मिले हैं। अम्बाबाड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 5 मंजिला व्यावसायिक परिसर, 6 लाख रुपए की कीमत के 30 किसान विकास पत्र, लाखों रुपए की एफडी, 5.5 लाख रुपए कीमत के आभूषण, 1 बैंक लॉकर और 9 बैंक खातों सहित विदेश यात्राओं के दस्तावेज भी मिले हैं। अब तक इस सर्च में करोड़ों रुपए की संपत्ति उजागर हो चुकी है, लेकिन फिलहाल एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मीणा के निर्देशन पर कार्रवाई जारी है, क्योंकि पूरी पूरी उम्मीद है कि अभी और भी कई चीजें मिलना बाकी है और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि ये तो साफ कर दिया गया है कि कोई भी हो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान के ठिकानों पर एसीबी की टीम पहुंची, छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुरोही में तैनात आरटीओ चौहान के 6 ठिकाने जहां पर आयकर की टीम पहुंची और असद में देखिए आय से अधिक मामले में रेड हुई है। सुरेंद्र सिंह ने खुद और अपने परिजनों के नाम से अर्जित की है करोड़ों रुपए की संपत्ति। एसीबी की तलाशी में 5 आवासीय और व्यवसाय भूखंडों के कागज मिले हैं। टोंक में 48 लाख रुपए कीमत की 8 बीघा कृषि भूमि के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा अम्बाबाड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 5 मंजिला व्यवसायिक परिसर मिले हैं। 6 लाख रुपए की
कीमत के 30 किसान विकास पत्र मिले हैं, लाखों रुपए की एफडी मिली है, 5.5 लाख रुपए कीमत के आभूषण मिले हैं, 1 बैंक लॉकर और 9 बैंक खातों सहित विदेश यात्राओं के भी दस्तावेज मिले हैं और अब तक के सर्च में करोड़ों रुपए की संपत्ति उजागर हो चुकी है। और चलिए अब आपको बताएंगे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी की रिपोर्ट। एसजीएसटी ने 1088 बोगस फर्मों की पहचान की और इनके माध्यम से 481 करोड़ से अधिक की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की पहचान की गई है। एसजीएसटी की ओर से हाल ही में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था। सीबीआईसी ने 16 अगस्त से शुरू किया था बोगस फर्मों की पहचान का अभियान। ऐसे में एसजीएसटी ने इस अभियान की शुरुआत से पूर्व ही राज्य में शुरू की बोगस फर्मों के खिलाफ ड्राइव की। एसजीएसटी के मुख्य आयुक्त यानी कि डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने 1088 बोगस फर्मों की पुष्टि भी की है और उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी कानून में इन सभी पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सीबीआईसी के विशेष अभियान में राज्य सरकार ने एडिशनल कमिश्नर राजीव कुमार को नोडल अधिकारी बनाया है। सीबीआईसी ने जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से जुटाए हैं डेटा के देश भर में दिए विशेष जांच के निर्देश। ऐसे में सीजीएसटी और एसजीएसटी को उपलब्ध कराया गया है डेटा। बोगस फर्मों की पहचान के लिए विभिन्न मापदंड तय किए जाएंगे। राज्य में सीजीएसटी और एसजीएसटी टीमें बोगस फर्मों की पहचान के लिए विशेष प्रयास कर रही है। राज्य में इन वित्तीय वर्षों में भी हो चुकी है अब तक 1212 बोगस फर्मों की पहचान। बोगस फर्मों पर अंकुश के कारण राज्य में राष्ट्रीय औसत से अधिक हो रही है राजस्व वृद्धि। और मरुधरा पर इस बार मॉनसून मेहरबान है। प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जोधपुर उदयपुर में 2 दिन से वापस से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश से जोधपुर की सड़कें दरिया बनती हुई नजर आ रही है। चामुंडा नदी उफान पर है। जोधपुर जैसलमेर रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी बहने से ट्रक को नुकसान हुआ है। आज सुबह की अगर बात की जाए तो आज सुबह से यहाँ पर 2 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है और 1 ट्रेन को रास्ते में रोकना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर बदला है साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी मौजूद है दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर। साथ ही एक और नया लो प्रेशर एरिया 24 घंटे में बनेगा बंगाल की खाड़ी में। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से जयपुर जोधपुर उदयपुर संभाग में बारिश का दौर इसी तरह से रहने वाला है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। भरतपुर और बीकानेर संभाग में भी मध्य से तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और आगामी 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और इसलिए न सिर्फ मौसम विभाग बल्कि फर्स्ट इंडिया भी कह रहा है कि ये समय आ चुका है कि अब आप अलर्ट हो जाइए क्योंकि बारिश का दौर इसी तरह से अगले 3 दिन जारी रहने वाला है। और अब आपको बताएंगे प्रदेश में खरीफ बुवाई से जुड़ी ताजा अपडेट। खरीफ 2024 की लक्ष्य के मुकाबले 97% बुआई। अनाज की बुआई लक्ष्य के मुकाबले 100.87%। दलहन की बुआई लक्ष्य के मुकाबले 97.81%। तिलहन की बुआई लक्ष्य के मुकाबले 98.51%। पिछले साल बुआई का आंकड़ा 100% से भी आगे निकल गया था। और देखिए वाकई में अच्छी खबर है क्योंकि खरीफ 2024 के लक्ष्य के मुकाबले 97% बुआई हुई है। अनाज की बुआई लक्ष्य के मुकाबले 100.87% हुई है जबकि दलहन की बुआई की बात की जाए तो लक्ष्य के मुकाबले 97.81% हुई है। तिलहन की बुआई लक्ष्य के मुकाबले 98.51% हुई है। पिछले साल बुआई का आंकड़ा 100% से आगे निकला है। और यूपी में योगी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन। यूपी सरकार के 2,44,565 कर्मचारियों का वेतन रुक गया है। इन कर्मचारियों को नहीं मिला अगस्त महीने का वेतन। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति की घोषणा करना जरूरी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी कर्मचारियों को निर्देश दिए थे 31 अगस्त तक संपदा पोर्टल पर संपत्ति घोषित करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन सिर्फ 71% कर्मचारियों ने पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी दी। ऐसे में संपत्ति घोषित नहीं करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। यानी कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साफ कर दिया है क्योंकि यूपी सरकार के 2,44,565 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सैलरी यानी कि वेतन नहीं मिला है।
और जयपुर की लाइफलाइन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी। इसी सप्ताह के भीतर बीसलपुर बांध के लबालब होने की उम्मीद जताई जा रही है। बांध में पानी की आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी समय चादर चलने की संभावना जताई जा रही है और उसको देखते हुए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। चादर चलने के साथ ही खुलने वाले गेटों की जांच में जुटे हैं अधिकारी। स्काडा सिस्टम के तहत बटन दबाते ही खुलेंगे बीसलपुर बांध के गेट। दरअसल बांध का वर्तमान जल स्तर 314.87 मीटर पहुँच चुका है। बांध के बराव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई बढ़कर 3.50 मीटर पहुंची है। बीसलपुर में आ रहे पानी की हर एक घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। बांध के बराव क्षेत्र में बेड़च, मिनाली, बनास नदी का पानी आ रहा है। बीसलपुर बांध पर अब तक 6 बार इस तरह से चादर चल चुकी है। बांध ओवरफ्लो होने के चलते पिछली बार यानी कि 2022 में भी इसी तरह से चादर चली थी।